गुड मॉर्निंग बच्चों, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल सीकर से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता मील। कक्षा दो पार्ट तीन है मात्राएं। आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं कौन सी होती है और कहाँ लगाई जाती है। पहले है मात्रा की परिभाषा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के निर्धारित चिन्ह इनकी मात्राएं कहलाती हैं। ये स्वर हम लिखते हैं उनकी जो चिन्ह होते हैं वो ही इनकी मात्राएं कहलाती हैं। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं वही इनकी मात्राएं कहलाती हैं। मात्राएं हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मात्राओं का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं। मात्रा होते हैं उनको कहाँ लगाते हैं, किन के साथ लगाते हैं? व्यंजनों के साथ। हम व्यंजन लिखते हैं उनके साथ स्वर का प्रयोग करते हैं तो वह किस रूप में लगता है? मात्रा के रूप में। मात्रा की परिभाषा, स्वरों के निर्धारित चिन्ह इनकी मात्राएं कहलाती हैं। मात्राओं का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं। व्यंजन के साथ हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो मात्रा के रूप में होता है। फिर स्वर और उनकी मात्राएं। ऐसा स्वर है उसके कोई मात्रा नहीं लगती है, बाकी सभी स्वरों के मात्राएं लगती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ए। तो ऐसा स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये तो हुई ऐसे स्वर की मात्रा। अब है मात्राओं से बनने वाले शब्द। जैसे ऐसे बिना मात्रा वाले शब्द हैं मन, कल, इन पर कोई मात्रा नहीं है, ये है ऐसे स्वर से बनने वाले शब्द। सेकंड आ, आ स्वर की मात्रा, ये आ स्वर की मात्रा और आ की मात्रा से बनने वाले शब्द हम राइट करते हैं आम, आसमान। फिर इस स्वर की मात्रा, छोटी की मात्रा और इससे बनने वाले शब्द जैसे किसान, इलास। फिर बड़ी की मात्रा होती है ये और इससे बनने वाले जैसे खीर, और लिख देते हैं मीरा में बड़ी की मात्रा। फिर ऊ, छोटे ऊ की मात्रा लगाई जाती है ये और इनसे बनने वाले शब्द कुर्ता, पुल, तो ये छोटे ऊ की मात्रा लग गई। फिर बड़ा ऊ, ये मात्रा, इनसे बनने वाले शब्द फूल, चूहा। उसके बाद में आता है री। री की मात्रा होती है ये, री की मात्रा का प्रयोग बनने वाले शब्द वृक्ष और नृप। ये हो गए ए, आ, ई, ई, ऊ और री। री तक मात्रा हो गई। इनके बाद में हम पढ़ेंगे ए। ए की मात्रा और इनसे बनने वाले शब्द जैसे केला, मेला। एक ही मात्रा से बनने वाले शब्द केला और मेला। फिर ऐ, जैसे थैला, ये तो ऐ की मात्रा और ये शब्द थैला, और बना देते हैं बैल। ऐ के बाद में क्या आता है? ओ। ये ओ की मात्रा और ओ की मात्रा से बनने वाले शब्द राइट करते हैं हम कोयल, मोर। ओ के बाद में कौन सा स्वर आता है? एव। एव स्वर की मात्रा, इनसे बनने वाले शब्द जैसे कौवा, कौवा है इस पर औ की मात्रा। ऐसे और बना देते हैं जैसे चौराहा। औ के बाद में एंग,
अंग होता है अंग की मात्रा को दो तरह की मात्राएं लगा जाती है, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है अनुनासिक। पहले अनुस्वार ये मात्रा और ये अनुनासिक चिन्ह, इसको हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। अनुस्वार से बनने वाले शब्द बनाते हैं पंखा झंडा है, तो ये दो गए अनुस्वार से बनने वाले। अब अनुनासिक से बनने वाले शब्द जैसे माँ आँख, ये दो बनाए चंद्र बिंदु से बनने वाले, चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी बोलते हैं। फिर है अंग की मात्रा, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग से बनने वाले शब्द नमः दुख। तो आज मैंने पढ़ी मात्राएं और मात्राओं से बनने वाले शब्द। तो मात्रा की परिभाषा पहले, तो मात्रा किसे कहते हैं, कि स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं वो इनकी मात्राएं कहलाते हैं। मात्राओं का प्रयोग कहाँ करते हैं, मात्राओं का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं। फिर स्वर स्वर है ऐसे लेकर अंग तक, ये इनकी मात्राएं और शब्द है। अब आपको अपनी बुक में चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर है 13 और 14, ये आपको घर पर पढ़ना है और समझना है इसको। थैंक यू।